गप्पी, मेरी ड्राइंग देखो कितनी सुंदर है, कितने सारे रंग भी है इसमें। मेरी ड्राइंग भी सुंदर है देखो। पर इसमें तो रंग ही नहीं है, रंग होती तो और भी अच्छी लगती है ड्राइंग। बिल्कुल सही बच्चों, इस ड्राइंग की तरह ही देखो हमारे आसपास भी कितने सारे रंग हैं। क्या तुम रहना चाहोगे बिना रंगों की दुनिया में? बिना रंग की दुनिया? मटरू, ये कैसी दुनिया है, यहाँ तो कोई रंग ही नहीं है। हाँ कपी, इस दुनिया में तो हमारे रंग बिरंगे फूल सब काले और सफेद दिख रहे हैं। सब कुछ एक जैसा और कितना बेकार है यहाँ। मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। पर हम वापस कैसे जाएंगे कपी, यहाँ तो कोई दरवाजा ही नहीं है। जब भरोगे इस दुनिया में रंग, तभी जा पाओगे वापस तुम एक दूसरे के संग। तुम कौन हो? मैं हूँ जादुई ब्रश, और वापस जाने में कर सकता हूँ तुम्हारी मदद। जादुई ब्रश, तुम हमारी मदद कैसे करोगे वापस जाने में? उसके लिए खेलना होगा मेरे साथ एक खेल तुम्हें। खेल? कैसा खेल? इस दुनिया में रंग भरने का खेल। पर इस दुनिया में तो रंग ही नहीं है। जिस भी वस्तु पर घुमाओगे मुझे, भर दूंगा मैं रंग उसमें। अरे वाह, पर हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ और किस चीज पर रंग भरने हैं? वही तो है खेल। अच्छा बच्चों, क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? हाँ, बहुत ही सुंदर होता है वो तो। काफी सारे रंग भी होते हैं उसमें। तो बस जल्दी से ढूंढो इस कमरे में इंद्रधनुष के सात रंग। याद करो वो चीजें जो थे लाल, पीले या गहरे नीले। चीजें थी वो बैंगनी या हरी, या फिर रंग थे उनके आसमानी या नारंगी। अरे वाह, ये खेल तो काफी मजेदार लगता है। हाँ मटरू, चलो जल्दी से इन रंगों वाली चीजों को ढूंढते हैं और वापस अपनी दुनिया में चलते हैं। हाँ गप्पी, पर इस बेरंग दुनिया में चीजों को ढूंढना आसान नहीं होगा। दोस्तों, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। बस अपनी कुछ चीजों को याद करो जिनमें इनमें से कोई एक रंग था, और फिर उन्हें इस कमरे में ढूंढो। हाँ, मुझे याद आया गप्पी, तुम्हारी पेंसिल लाल रंग की है। अरे हाँ मटरू, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखा दोस्तों, है ना ये आसान? हाँ, और मजेदार भी। अब अगली चीज में ढूंढूंगा। मटरू, मुझे याद आया, तुमने आसमानी रंग की ड्रेस पहनी थी जब हम अपनी दुनिया में थे। बिल्कुल सही कहा गप्पी, और तुमने हरे रंग की टी शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी थी। अरे वाह दोस्तों, तुमने सात में से तीन रंगों को ढूंढ लिया, और साथ में काले रंग को भी। हाँ, अब हमें बस चार रंगों वाली चीजों को ढूंढना है। जादुई ब्रश, क्या तुम हमें फिर से बता सकते हो हमें कौन से रंग की चीजों को ढूंढना है? हाँ जरूर दोस्तों, ढूंढो कोई वस्तु ऐसी जिसमें भरा हो रंग नारंगी। मटरू, मेरा बैग नारंगी रंग का है, चलो जल्दी से उसे ढूंढते। मिल गया, ये रहा गप्पी। जादुई ब्रश, अब जल्दी से इसमें भी रंग भर दो। अब ढूंढो वो वस्तु जिसमें बड़ा हो रंग गहरा नीला। गहरा नीला रंग, इस रंग की कौन सी वस्तु है हमारे पास मटरू? सोचने दो, याद आया गप्पी, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले ही हैप्पी चाचा ने हम बच्चों के लिए एक रुमाल बनाया था, वो रुमाल गहरे नीले रंग का था। अरे हाँ, चलो जल्दी से ढूंढते। ये रहा, मिल गया। अब हमें बस दो रंगों को ढूंढना है। बचे हुए दो रंग है पीला और बैंगनी। पीले रंग का तो सूरज होता है, पर इस दुनिया में सूरज होता है क्या? चलो मिलकर ढूंढे। ये रहा सूरज खिड़की के बाहर। बैंगनी रंग की कौन सी वस्तु हो सकती है यहाँ? चलो चलो जल्दी ढूंढे इस रंग की कोई वस्तु यहाँ। मिल ही नहीं रहा है गप्पी। अरे मटरू, ये देखो, ये ब्रश बैंगनी रंग का ही है। बहुत खूब दोस्तों, आखिरकार तुम दोनों ने मिलकर ढूंढ ही लिए इंद्रधनुष के रंग सात चीजें। अरे वाह मटरू, हम फिर से पहले जैसे ही दिख रहे हैं। हाँ गप्पी, वहाँ देखो हमारी दुनिया का दरवाजा। आखिरकार दरवाजा मिल ही गया, और हम अपनी दुनिया में वापस आ गए। दोस्तों, उम्मीद है हमारी ही तरह
आप भी इंद्रधनुष के 7 रंगों के बारे में जान गए होंगे। आप भी अपने घरों में इंद्रधनुष के रंगों वाली वस्तुओं को ढूंढें और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को दिखाएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।